तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्जाम तक के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप यूपीपीसीएल के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे TG2 लाइनमैन तथा यूपीपीसीएल ARO तथा OA एग्ज़ाम, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहां पर जो है कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके हर एग्ज़ाम में। जो इस समय जो है नया पैटर्न चल रहा है, इसमें जो है कंप्यूटर के नए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि MS Office 2016 के क्वेश्चन जो है ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो सभी का सलूशन मैंने कर दिया है। अब से हमारे चैनल पर जो है डेली आपको 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो कि ऑफिशियल क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि आपको जो है यहाँ पर पेपर में आए हुए क्वेश्चन मिलेंगे। हर वीडियो में जो है 50 क्वेश्चन रहेंगे। तो फ्रेंड, लगभग जो है यहाँ पर 16+ वीडियो यहाँ पर अपलोड किए जाएंगे, 60+ वीडियो। तो आप देख सकते हैं लगभग जो है 3000 क्वेश्चन कंप्यूटर के आपके कवर हो जाएंगे, जो आपके किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको 50 क्वेश्चन दिखाऊँगा। डेली यहां पर जो है 50 क्वेश्चन का वीडियो जो है अपलोड किया जाएगा। तो आप जो है निरंतर हमारे चैनल को ज़रूर विजिट करिए, यहां आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है दोस्तों को भी इस चैनल पर कनेक्ट कराइए, ताकि उनकी प्रिपरेशन जो है अच्छे से हो सके। तो चलिए, ये सभी क्वेश्चन जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध हैं, जो कि दोनों जो है सभी प्रकार के स्टूडेंट के लिए जो है महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले चलिए पहले क्वेश्चन के साथ जो है शुरुआत करते हैं, और सारे क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है, डेस्कटॉप आइकन इन 3 फाइल फॉर्मेट में से किस फॉर्मेट में पाए जाते हैं। तो डेस्कटॉप का जो आइकन होता है कि इन 3 फाइल फॉर्मेट के रूप में पाया जाता है, वो फॉर्मेट कौन कौन सा होता है, ICO.exe.dll। तो आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 है। तो इंग्लिश वाले जो है क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है यहाँ पर, किसके माध्यम से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सिस्टम के द्वारा संसाधन प्रबंधन किया जाता है। तो किसके माध्यम से ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा जो है संसाधन प्रबंधन किया जाता है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर जो है तीसरा इसका करेक्ट है, टाइम डिवीजन मल्टीलेक्सिंग के द्वारा और स्पेस डिवीजन मल्टीलेक्सिंग के द्वारा। तो यहाँ पर दोनों के द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर जो है थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है यहाँ पर, सभी नेटवर्क रूट का आईपी एड्रेस प्राप्त करने के लिए किस कमांड का यहाँ पर जो है प्रयोग किया जाता है। तो किस कमांड का प्रयोग किया जाता है, net*R का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। अगला है यहाँ पर, टूल को HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ट्रैफिक को लॉक करने कैप्चर करने और जो है प्रदर्शित करने के लिए जो है बनाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। तो इंग्लिश वाले भी क्वेश्चन को देख सकते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर का उपयोग जो होता है ये किस में किया जाता है। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर का उपयोग जो है मोबाइल फोन में किया जाता है। अगला सवाल यहाँ पर है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यदि आप किसी कुंजी को दबाते हैं तो सेल आपके द्वारा जो है टाइप की गई सामग्री को अपने कंटेंट के रूप में जो है स्वीकार करता है।
तो यहाँ पर किसको दबाया जाता है, इंटर बटन को जो है यहाँ पर प्रेस किया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से बीमेल की पहचान करना है, यहाँ पर कौन सा इसमें से जो है अलग है एप्ली, तो यहाँ पर पेरी फेरल्स जो है यानी कि ये अलग है। पेरी फेरल्स माने क्या होता है, ये जो है डॉक सामग्री होता है, कंप्यूटर की सभी सामग्री को जो है पेरी फेरल्स कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप साउंड को रख लें, सीपीयू को रख लें, उसके बाद जो है यहाँ पर अदर सामान को, मॉडेम को रख लें, कीबोर्ड को रख लें, ये सब क्या हैं, कंप्यूटर के पेरीफेरल्स हैं। अगला है यहाँ पर एक हस्त नियंत्रित डिवाइस जो आपके कीबोर्ड से जो है निर्देश टाइप किए बिना अपने कंप्यूटर को नियंत्रित करने देता है, उसे क्या कहा जाता है। तो एक हस्त नियंत्रित डिवाइस कौन सा होता है जो हाथ से चलाया जाता है और कंप्यूटर का काम जो है ये करता है, वो कौन सा होता है, माउस जो है कीबोर्ड की भांति जो है काम करता है। तो अगला सवाल है यहाँ पर कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का जो है डिवाइस है। प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट सरल क्वेश्चन है यहाँ पर। एमबी का अर्थ क्या है, एमबी का अर्थ क्या होता है, मेगाबाइट जो है एमबी का पूरा नाम होता है। केबी क्या होता है, किलोबाइट होता है। टीबी क्या होता है, टेराबाइट होता है। जीबी क्या होता है, गीगाबाइट होता है। इसी प्रकार जो है यहाँ पर कंप्यूटर के जो है क्या है, ये सब क्या है, कंप्यूटर जो है छोटी क्या है, सबसे छोटी क्या है, क्या होती है, बिट होती है। उसके बाद जो है केबी, बिट, बाइट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, इसी प्रकार चलता रहता है। अगला है यहाँ पर कंप्यूटर को नियंत्रित करने वाले प्रोग्राम का क्या नाम है। तो कंप्यूटर का जो नियंत्रित करता है, कौन नियंत्रित करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज है, उसके बाद जो है उबंटू है, इसी प्रकार जो है कई सारे यहाँ पर कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। अगला यहाँ पर सवाल है निम्नलिखित में से किसमें ROM, USB पोर्ट और PCI पोर्ट जैसे घटक शामिल होते हैं। तो किसमें शामिल होते हैं, मदरबोर्ड में शामिल होते हैं। तो फ्रेंड अगर आप इन सभी पेपरों की PDF चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन आज जो है यहाँ पर नहीं मिल पाएगा। आज है कितनी तारीख, 19 मार्च है, लेकिन आपको कल तक इसका PDF का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाकर खरीद सकते हैं। तो अभी PDF को मर्ज करना बाकी है, तो PDF को सभी जो है क्वेश्चनों को एक करके जो है इसकी PDF दे दी जाएगी आपको। यहाँ पर 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे, तो लगभग जो है PDF बन जाने के बाद ही पता चलेगा कि इसमें जो है आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा 3000 तो प्लस क्वेश्चन रहेंगे, जो कि दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध रहेंगे, जिससे आपको जो है पढ़ने में आसानी होगी। अगला यहाँ पर सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटर स्क्रीन पर चित्रों का प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से किस कार्ड का जो है प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर वीडियो ग्राफिक कार्ड का जो है प्रयोग किया जाता है। अगला है यहाँ पर सफल डाटा संचार के लिए प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा पालन किए गए जाने वाले नियमों के समूह को क्या कहा जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है यहाँ पर फोन लाइन और मॉडेम का उपयोग करके इंटरनेट से कनेक्ट कराने को क्या कनेक्शन कहा जाता है, कनेक्शन को क्या कहते हैं। तो इसे डायल अप कनेक्शन कहा जाता है। अगला है यहाँ पर सिस्टम को बूट करने का अर्थ क्या है। तो सिस्टम को बूट करने का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड होना जो है सिस्टम का बूटिंग कहलाता है। अगर आप न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम अपने डेस्कटॉप या कंप्यूटर पर चढ़ा रहे हैं तो उसे उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं,
वोटिंग की प्रक्रिया कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है? तो इसमें गूगल क्या है, वेब ब्राउजर नहीं है, बल्कि गूगल क्रोम जो होता है ये वेब ब्राउजर होता है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स है, नेटस्केप नेविगेटर जो है ब्राउजर है, गूगल क्या है एक सर्च इंजन है, गूगल क्रोम जो है एक ब्राउजर होता है। .com किस प्रकार का वेबसाइट को सूचित करता है? तो .com जो है यहाँ पर वेबसाइट को सूचित करता है। अगला है यहाँ पर मेमोरी के संबंध में CDR का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम होता है CD रिकॉर्डेबल जो है इसका पूरा नाम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्विस प्रोग्राम के रूप में भी जाना जाता है? तो सर्विस प्रोग्राम इसमें से कौन सा है, उपयोगिता यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को यहाँ पर जो है सर्विस प्रोग्राम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, कंप्यूटर का पूर्ण काम करने की स्थिति में लाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किया गया काम जो है क्या कहलाता है? तो यह काम क्या कहलाता है, बूट कहलाता है। अगला है यहाँ पर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के प्रदर्शन को खराब कर सकता है, तो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के प्रदर्शन को खराब कर सकता है? तो एंटीवायरस जो है कंप्यूटर के प्रदर्शन को खराब कर सकता है अगर आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस नहीं है तो। वेब पेज के कोड को इस्तेमाल करके लिखा जाता है, तो इसको HTML में लिखा जाता है, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में इसको लिखा जाता है। ईमेल अटैचमेंट क्या होता है? तो ईमेल अटैचमेंट क्या होता है, यहाँ पर ईमेल संदेश के साथ अलग से भेजा गया किसी अन्य प्रोग्राम का डॉक्यूमेंट दस्तावेज होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। अगर किसी कंप्यूटर वायरस ने आपके कंप्यूटर की को नष्ट कर दिया है तो DOS यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई भी डेटा रिसीव यानी पुनः प्राप्त नहीं कर सकता है। ये किसके माध्यम से होता है, फाइल और एलोकेशन टेबल के माध्यम से ये होता है। एक प्रेजेंटेशन यानी कि स्लाइड शो बनाने के लिए सामान्यतः किस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है? तो अगर आपको स्लाइड शो बनाना है तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का उपयोग किया जाएगा। यहाँ पर अगर आपको फ़ोटो वगैरह बनाने हैं तो एवं फोटोशॉप का प्रयोग करेंगे। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, एक ब्राउजर होता है। आउटलुक एक्सप्रेस क्या होता है, यहाँ पर उसमें डॉक्यूमेंट वगैरह आप सेव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर MS Excel 2016, देख सकते हैं आपके UPSC में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। MS Excel 2016 में वह सेल जिसे जो है 5436.8 स्थिति है उसको जो है इतना इतना के रूप में कर दें तो आउटपुट क्या होगा? तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे 5446.80 जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो अगला यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 28 है, दबाना पैराग्राफ को केंद्रित करने का एक तरीका होता है, तो ये क्या होता है? पैराग्राफ को केंद्रित करने के लिए Ctrl+E का प्रयोग किया जाता है। MS PowerPoint में नई स्लाइड डालने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो PowerPoint में नई स्लाइड को इंटर करना है तो उसके लिए Ctrl+EM का प्रयोग किया जाएगा। वर्ड 2007 तालिका में पंक्तियों और कॉलमों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो MS वर्ड 2007 में उस समय जो एक पंक्ति थी और यहाँ पर कॉलम भी न्यूनतम एक हो सकता है। सेल में दर्ज MOD
-32 क्या दर्शाता है? तो ये 1 के बराबर होता है। अगला है, यहाँ पर कौन सी डिवाइस आपके कंप्यूटर को अन्य कंप्यूटर से टेलीग्राफ टेलीफोन लाइन पर बात करने के करने और साथ ही इंटरनेट तक पहुँचने की अनुमति देता है? तो कौन सी ये डिवाइस होती है? ये होती है मॉडम। वे कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़े हुए हैं उन्हें कैसे पहचाना जाता है? उन्हें जो है आईपी एड्रेस के जरिए पहचाना जाता है, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल के जरिए जो है पहचाना जाता है। टाइम्स न्यू रोमन, कॉमिक सेंस और कैलिबरी किसके उदाहरण हैं? ये सब फॉन्ट के उदाहरण हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा एक्सेल फंक्शन आपको वर्तमान दिनांक और समय बताएगा? तो यहाँ पर नाउ जो है इसका करेक्ट आंसर है। एमएक्स एक्सेल 2013 में अंडरलाइन को लागू करने या निकालने के लिए एक साथ कौन सी कुंजी को इंटर करेंगे? तो यहाँ पर कंट्रोल प्लस 4 का उपयोग किया जाता था। एमएस एक्सेल में चयनित हिस्से में छुपी हुई पंक्ति को प्रकट करने के लिए कुंजी संयोजन क्या होता है? तो ये कुंजी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस छोटा कोष्टक। विंडोज मीडिया ऑडियो को सहेजने के लिए कौन सा जो है फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर WMA का प्रयोग किया जाता है विंडोज मीडिया की फाइल को सेव करने के लिए। अगला है, यहाँ पर फॉन्ट का आकार 1 पॉइंट बढ़ाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस बड़ा कोष्टक, आप देख सकते हैं इसका प्रयोग किया जाता है फॉन्ट का आकार को बढ़ाने के लिए। आप निम्न में से किस टैब का उपयोग कर वर्ड दस्तावेज में हाइपरलिंक बना सकते हैं? तो वर्ड में हाइपरलिंक बनाने के लिए जो है यहाँ पर इंसर्ट टैब का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, पिछली सेल की सामग्री का चयन करने के लिए किस कुंजी का जो है उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर शिफ्ट प्लस टैब का प्रयोग किया जाता है। सरफेस वेब स्क्रीन किस प्रकार की मॉनिटर के तहत जो है वर्गीकृत है? तो ये टच स्क्रीन पर जो है वर्गीकृत है। कौन सी तकनीकी जो है यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के दस्तावेज और डिजिटल कैमरे के द्वारा कैप्चर किए गए छवि को संपादन योग्य और खोजने योग्य डेटा में परिवर्तित करने के लिए सक्षम है? तो ये कौन है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। यहाँ पर IEEE का कोड जो है 1394 है के लिए अधिकतम डेटा स्थानांतरण दर क्या है? तो 400 से 800 MB प्रति सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, डेटा ट्रांसमिशन की गति को मापने के लिए आमतौर पर उपयोग की जाने वाली इकाई क्या है? तो यहाँ पर बिट प्रति सेकंड है, ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, यहाँ पर एक संचार उपकरण है कौन सा है जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों या अन्य माध्यमों साधनों के जरिए जो है संवाद करने में जो है सक्षम बनाता है? कौन सा है? मॉडेम। ये सब किसका काम होता है? मॉडेम का काम होता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, किसको जो है चुपके से कंप्यूटर में प्रवेश करने वाला प्रोग्राम है? कौन जो है चुपके से कंप्यूटर में प्रवेश करता है और जो आपके डेटा और यहाँ तक कि आपकी पूरी जो है सिस्टम को नष्ट कर देता है? तो कंप्यूटर वायरस अगर किसी भी कंप्यूटर में प्रवेश करता है तो यहाँ पर आपके सिस्टम को ही तबाह कर देता है, यानी कि भ्रष्ट कर देता है। इसको बचाने के लिए जो है आप एंटीवायरस का प्रयोग कर सकते हैं। अगला है, यहाँ पर व्यापारी और उनकी भुगतान जानकारी सुनिश्चित करता है, तो ये कौन करता है? ड्यूअल सिग्नेचर, यानी कि दोहरा हस्ताक्षर जो है
इसका करेक्ट आंसर है। दो अथवा दो से अधिक डेटा श्रृंखला में किसका प्रयोग किया जाता है, जहां आप जो है एमएस एक्सेल में संपूर्णतः अंशदान इंगित कर सकते हैं, तो ये होता है 100% सेलेक्ट कॉलम चार्ट, यानी कि एमएस एक्सेल में आप इसको सेव कर सकते हैं डाटा वगैरह को। उच्च स्तर प्रोटोकॉल एड्रेस को भौतिक नेटवर्क एड्रेस में परिवर्तित करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो यहाँ पर एआरपी इसका जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पर अगला सवाल है, निम्न में से अखबार की तरह दिखने वाला दस्तावेज बनाने के लिए जो है आप किसका प्रयोग करेंगे, तो आप किस विकल्प का उपयोग करेंगे, तो यहाँ पर कॉलम का जो है उपयोग किया जाता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पीवोट टेबल जल्दी से वजन रहित बनाने के लिए उपयोगी है, तो ये क्रॉस राड़ी यानी कि इसको जो है एमएस एक्सेल में बनाया जाता है, जो कि काफ़ी डिफिकल्ट यहाँ पर सवाल है। तो फ्रेंड ये था आज का जो है 50 क्वेश्चन। अगले वीडियो में भी ऐसे ही 50 क्वेश्चन आएंगे, तो चैनल के साथ कनेक्ट रहेंगे तो आपको जो है डेली यहाँ पर 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो कि ऑफिशियल क्वेश्चन आएंगे, आपके किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप डेली सभी वीडियो को देखिएगा। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।